अगर आप देखेंगे तो मैं हमेशा जहाँ पे मतलब मैं बुक लॉन्च पे जाते रहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं जो जहाँ भी आउट ऑफ स्टूडियो काम करता हूँ, वो काम नहीं मतलब अपीयरेंस करता हूँ, ज़्यादातर मुझे स्कूलों में बुलाया जाता है। शायद लोग समझते हैं कि मैंने दो चार प्रिंसिपल का काम किया तो मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, लेकिन वो हकीकत से बहुत दूर है ये बात। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है स्कूल जाने के लिए, बिकॉज वहाँ लोग हम समझते कि हम जाते बच्चे खुश होते, पेरेंट्स खुश होते, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है स्टेज पे। जब बच्चों को देखते हैं इतनी एंथुजियाज्म से हम लोग स्टेज पे बैक स्टेज में रहते हैं, हम सोचते हैं कि जब हम प्रोफेशनल बन गए तो क्या ये एंथुजियाज्म इतना क्यों नहीं है, क्योंकि वी बिकम प्रोफेशनल्स। और वो प्रोफेशनल्स जो वर्ड है मेरे हिसाब से एक बैड वर्ड है। वी हैव टू स्टे लाइक दिस, वी हैव टू मेंटेन आवरसेल्व्स लाइक चिल्ड्रन, बिकॉज जब हमने पहली फिल्म की थी तो मैं ऐसे ही था, एक बच्चे की तरह मैं एकदम एक्साइटेड रहता था, कैमरा रोल होगा मैं दिखाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा। वी सीम टू लूज दैट। सो एवरी टाइम आई गो टू स्कूल आई फील एक्सट्रीमली प्राउड दैट इनोसेंस कम्स बैक टू मी। बिल्कुल, जब बच्चों को देखते हैं तो हम अपने बचपन में लौट जाते हैं। बिल्कुल सही है, इस तरह से ये लोग मस्ती कर रहे हैं, टिंगल कर रहे हैं, और हाँ बच्चों के बीच जब जाते हैं तो बचपना तो याद आ ही जाता है। जिस तरह के यहाँ के बच्चे मस्ती कर रहे थे, टिंगल कर रहे थे, ये बहुत ज़रूरी है, होते रहना चाहिए। लेकिन हम आज इनके एनुअल फंक्शन में सिर्फ शामिल होने नहीं आए, इनको बधाई भी देने हैं आज ये कॉल जी को, क्योंकि इस स्कूल में मैंने देखा कि सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही है, सिर्फ अब किताबी नॉलेज से सिर्फ काम नहीं चलेगा, अब साथ साथ बहुत कुछ करना होगा। जैसे यहाँ के चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल में बच्चों को ये बताया जा रहा है कि आपको स्वच्छता भी रखनी है, स्वच्छता, कोई गंदगी करे उसे रोकना भी है, और आपको अंगदान करने चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए, और अंगदान इज ए महादान। तो मुझे लगता है अभी मैंने यहाँ इनका एक प्ले देखा, ड्रामा देखा, जिससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली बच्चों को, और आके बहुत मज़ा आया। और अजय कौल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इनको शुभकामनाएँ देने आए हैं।